नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कॉम्बो प्रो में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे कि मैंने आपको उन पांच चीजों के बारे में बताया था जो कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के लिए बेसिक लेवल पे चाहिए, या फिर आपका यूट्यूब स्टूडियो आपके घर पे ही सेटअप करने के लिए चाहिए। जो पांच चीजें मैंने बताई थी वो है माइक, कैमरा, स्टैंड, स्क्रीन और लाइट। उन पांच चीजों में मैंने आपको लाइट के बारे में एक अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, जिसके अंदर 1000 वाट लाइट का 1000 वाट पावर की जो लाइट है वो हैलोजन की लाइट को हम कैसे इस्तेमाल कर सके वीडियो शूटिंग के लिए, ये बताया था। अभी मैं जनरल नॉर्मल लाइट में ही ये शूट कर रहा हूं। अब और आगे तीन मटेरियल्स का मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं, उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। अभी अभी मैंने ये अमेजोन से तीन प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, जो कि आप जानते हैं कि माइक है, स्टैंड है और ग्रीन स्क्रीन है। तो इन चीजों को मैंने कितने में खरीदा है अगर आप देखेंगे सोचेंगे तो आप बहुत चौंक जाएंगे। तीनों की जो भी अप्रोक्सीमेट प्राइस है वो सिर्फ 1094 रुपीज है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 1094। और लाइट जो मैंने खरीदी है वो 500 रुपीज के तकरीबन खरीदी है, यानी 1500, 1400, 1500, 1600 इन रुपीज में आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो और यूट्यूब स्टूडियो भी स्टार्ट कर सकते हो। अब जिसके हेल्प से मैं मेरे चैनल में बहुत सारे मूवी रिव्यूज और लेक्चर वीडियोस, अनबॉक्सिंग और बहुत सारी तरह तरह की व्हाइट बोर्ड एनिमेशन और बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास, वो मैं यहाँ पर सेटअप उसका करके जो है और वो सारा डिस्प्ले आपको मैं दिखाने वाला हूं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि जो नीचे जो सब्सक्राइब का जो बटन है, सब्सक्राइब का जो रेड में वर्ड है, उसे प्लीज आप प्रेस कीजिए, उसी को क्लिक कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इन्हीं इसी तरह से नए नए चीजों की जो है अनबॉक्सिंग करूंगा और बहुत सारे आइडियाज और मूवी रिव्यूज वगैरह आपको दे सकूंगा। अब एक एक करके हम इसको अनबॉक्स करेंगे। पहले छोटे डिब्बे को लेते, थोड़ी देर के लिए मैं लाइट यहाँ पर रख देता हूँ। और जो है हमारे पास ये कुछ नाइफ है, अब इससे हम इसको यहाँ से कट करेंगे। ओके, तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। बहुत ही स्लीक और टाइट इनकी जो है सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर ये इन्होंने इसको पैक किया है। चलो तो दोस्तों, आप देखेंगे वो हो बहुत ही खूब। अब यहाँ पर ऊपर से ही यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कवर एनवलप है। अब इस एनवलप के अंदर बहुत ही नाजुक के साथ इसको जो है इन्होंने अंदर रखा है। यहाँ पर ये शायद माइक, माइक्रोफोन। ये माइक्रोफोन जो है सिर्फ 199 रुपीज में मैंने खरीदा है। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, दिया हूँ, उसको आप जो है वहाँ जाकर जो है आप इसको चेक कर सकते हैं, ज़रूर चेक करें। अब इसके देखेंगे अंदर को कितने दूरी, कितने लंबाई का यहाँ पर ये है माइक्रोफोन है। ओके, यहाँ पर अच्छा लैपेल माइक इसको कहा जाता है। ये जैसे कि ये क्लिप आपके जो है अच्छे से जेब के ऊपर भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, ये देखो इस तरह से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसको हम खोलेंगे, पहले इसको खोल कर देखेंगे कि ये कितने लंबाई का माइक है। चलो ठीक ठाक इसका डिस्टेंस है, लेकिन इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। ओके, तो इस टेबल के ऊपर बैठकर जो है आप इसको अच्छे से आप रिव्यू या फिर आप कोई भी आप प्रोडक्ट की जानकारी या फिर आपके जो है डिस्क्रिप्शंस वगैरह आप इसमें से दे सकते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर एक शीट है जो कि इसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है, और नॉइस का प्रोटेक्शन, नॉइस सप्रेशन भी इसके अंदर मिलता है। दोस्तों, इसके फीचर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा 3.5 mm का जैक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ओके, जिसकी वजह से आप जो है आपके नॉर्मल मोबाइल में भी इसको डाल सकते हैं। अभी मैं इस मोबाइल कैमरे से इसको शूट कर रहा हूँ, लेकिन इसको जो है मैं आपको आवाज़ के साथ यहाँ पर बताऊँगा। हम सेल्फी के साथ इसको बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कैसे इसकी आवाज़ आती है। हेलो दोस्तों, अभी मैंने माइक, ये देखो ये जो है माइक्रोफोन को यहाँ पर इसके अंदर मैंने लगाया हूँ। ओके, तो इसकी आवाज़ आपको यहाँ पर, आपको फ़र्क तो यहाँ पर महसूस हो रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा।
ओके तो इस तरह से ये है माइक्रोफोन। अब इसके बाद हम दूसरे प्रोडक्ट की जानकारी ले लेंगे। दूसरा यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्स है, शायद इसके अंदर स्टैंड है जो कि फोल्डेबल 360 डिग्री रोटेटेबल, ये यहाँ पर स्टैंड है। देखेंगे स्टैंड को जो है हम यूज करके देखेंगे, आप टेबल के ऊपर रख कर जो है आप इसको अच्छी तरह से, या फिर आपके पास अगर कोई स्टूल वगैरह है तो स्टूल के ऊपर रख कर भी जो है आप खड़े रहकर जो है इसको आप कोई भी आपका YouTube का वीडियो बना सकते हो। ये देखो ये ब्लू कलर में यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखने वाला खूबसूरत सा यहाँ पर स्टैंड है, माइक स्टैंड, जो कि 360 डिग्री में किसी भी डिरेक्शन में ये मूव हो सकता है। इसके जो है इसके पावर के बारे में वगैरह, ये मोबाइल होल्डर है, ये मोबाइल होल्डर आपको कहाँ बिठाना है, कैसे बिठाना है ये मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ये देखो बहुत ही टाइट और ये स्लीक डिजाइन वाला यहाँ पर ये स्टैंड है, इसको बहुत ताकत के साथ मैं खींच रहा हूँ। ओहो, अब इसको जो है हमको लगाना कहाँ पर है ये हम देखेंगे शायद। ओके, तो ये यहाँ पर, यहाँ से भी जो है 360 डिग्री में रोटेट हो सकता है। और आप इसको दोस्तों आप प्लेन सरफेस के ऊपर भी जो है इसको रख सकते हो। जैसे कि हम देखेंगे इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, देखो ये यहाँ पर खड़े रह रहा है। ओके, तो इस तरह से ये पूरी तरह से अब बैठ गया, राइट। अब मेरे पास फिलहाल एक ही मोबाइल है, फिर भी ये हमारे कुछ करीबी यहाँ पर दोस्त है, ये मोबाइल होल्डर को यहाँ पर हम पॉज कर जाते, थोड़ा सा पॉज कर, पॉज ये बंद करो। दोस्तों पहले तो मैं आपको इसको फिटिंग कैसे करना है बताता हूँ। यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये स्टैंड अलग है, मोबाइल होल्डर अलग है, मोबाइल होल्डर की जो स्ट्रेचिंग पावर है यहाँ पर देखो ये कितना स्ट्रेच हो सकता है, यानी आपके 6.5-7 इंच का भी अगर मोबाइल है, अगर हाइट आपकी जो है यहाँ पर तो 4 इंच की, 4.5 इंच की भी अगर है उसकी हाइट मोबाइल की, तो ये यहाँ पर अच्छी तरह से वहाँ पर बैठ सकता है। अब देखेंगे हम इसको फिट कैसे करना है। पहले तो जो है ये नॉब, जो है ये नॉब को, ये अपर्चर जो है इसके अंदर हमको इंसर्ट करना है और यहाँ से इसको हमको जो है ये पूरी तरह से लॉक करना है। ओके, जैसे कि आप कोई स्टूल या टेबल वगैरह कोई यूज़ करते हो तो उसको जो है इस बॉटम से जो है हमको अच्छे से जो है, यानी ये गिर नहीं सकेगा, इसीलिए जो है हमको इसको वहाँ पर ग्रिप के साथ यहाँ पर इसको बिठाना है। जैसे कि मेरे पास ये अभी आपको दिखा पा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर ये मेरे पास स्टूल है, ओके, आयरन का स्टूल, इसको अच्छे से यहाँ पर मैं देखो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये फिट बैठ गया है। और इसको हम 360 डिग्री में भी मूव कर सकते हैं, कि मोबाइल को जो है आप कैसे जो है वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी आप यहाँ पर जो है इसको रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी एक मोबाइल है, अब मिसाल के तौर पर इस मोबाइल को अगर मैं यहाँ पर, एक छोटा सा मोबाइल है, इस मोबाइल को अगर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये वर्टिकल मोड है और इसको जो है आप हॉरिजॉन्टल मोड भी यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके मोबाइल को ये सिर्फ, ये भी जो है सिर्फ 199 रुपीज में ये मैंने जो है स्टैंड इसको खरीदा है, आप देख पाओगे इसको। और यहाँ पर ये रबर शीट है, यानी जिसके वजह से आपके मोबाइल के ऊपर जो है ज्यादा ये फर्म से नहीं बैठेगा, फर्म से बैठेगा, बट ये रबर शीट की वजह से जो है आपके मोबाइल की प्रोटेक्शन भी होगी। स्टॉप। चलो इसके बाद हम ये तीसरे हम पार्सल को खोलेंगे। इसके अंदर तो अब ग्रीन स्क्रीन है क्योंकि ये तीन ही मटेरियल्स मैंने यहाँ पर मंगवाए थे और ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर खुला है और बहुत पैकिंग के साथ ये आता है। और ये ग्रीन स्क्रीन, जो क्रोमा स्क्रीन, क्रोमा कर्टन भी जिसको कहा जा सकता है, आप वीडियो एडिटिंग के लिए जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो ग्रीन क्रोमा कर्टन का जो है आप कैसे वीडियो एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ये जो मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसकी यहाँ पर कंपनी देख रहे हैं, यहाँ पर हैनुमैक्स, ये जो है 460 रुपीज का है सिर्फ। आप अगर ऐसे ले लोगे तो वो 600 या 700 में भी जा सकता है, लेकिन ये हैनुमैक्स कंपनी का जो है अमेजोन की चॉइस से यहाँ पर ये लिया गया है। अब यहाँ पर देखोगे ये अच्छा सा बहुत ही ब्राइट ग्रीन कलर का, यहाँ पर ये बहुत ही स्मूथ दिखने वाला लाइट वेटेड यहाँ पर ये क्लॉथ है, ओके, कर्टन है, जिसको हम आप यहाँ पर जो है
ऐसे दीवार से भी लगा सकते हैं, आराम से इसको दीवार को लगाकर जो है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि ये बहुत ही चीप रेट में आप इस मटेरियल्स को जो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे अगले आने वाली वीडियोस में जो है इन सभी मटेरियल्स का यूज करके मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, जैसे कि मैं मूवी रिव्यूज हॉलीवुड बॉलीवुड हो या फिर कोई मराठी मूवी हो उसके भी मैं रिव्यूज देता हूँ। अभी मेरे अगले आने वाले वीडियो में मैं मुल्शी पैटर्न इस मराठी मूवी का भी रिव्यू देने वाला हूँ और कुछ वीडियो लेक्चर जो है लाइफ साइंसेस के उसको भी देने वाला हूँ। तो आप तमाम और सभी जो है व्यूवर्स से मेरी यही उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।